मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक बड़े बायोफ्लॉक टैंक को बनाने में क्या प्रक्रिया होती है और क्या क्या चुनौतियां आती हैं। यहां हम एक 10 डायमीटर के टैंक के बारे में, जो टार्पोलिन जिसमें लगा हो, उसके बारे में बात करेंगे। ये टैंक को एरिया जो लगेगा वो 40 फुट बाई 40 फुट का लगभग चाहिए, क्योंकि इसका जो गोला आएगा, जो डायमीटर आएगा, वो 33 फीट का आ जाएगा। इसके लिए हमने 12 mm और 16 mm की आयन की रॉड्स लगाई हैं और उसको पहले फ्रेम बना लिया, जगह साफ करके फ्रेम बना लिया आयन की रॉड्स का। और फिर हमने जब उसको बिठाने की कोशिश की तो देखा कि हमारी ज़मीन पे ढलान है, 1 फुट की ढलान है एक छोर से दूसरे छोर तक। तो इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि इसमें JCB बुला के इसको हम लोग ठीक कर लें, लेवल कर लें, क्योंकि बाई लेबर तो इसको बहुत टाइम और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये JCB बुलाया गया तो उसने लेवल की और उसको बताया गया कि भाई बीच में जो तू एक खड्डा कर दे 2 फुट 2.5 फुट का, और वही मट्टी उसको पेरीफेरी में किनारों पर डाल दे। इस तरह हम लोग बाद में वो तवा सा शेप का बना गया, तो फिर हम लोग लेबर के साथ उसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग उसका चेक कर रहे हैं लेवल, कि उसका ढलान और उसका लेवल सब ठीक हो जाए, और फिर हम लोग ने उसका सेंट्रल ड्रेनेज लाइन सेट कर दी। 4 इंच की ड्रेनेज लाइन है, वो हमने सेट कर दी। और इसके बाद हम लोग इसको पानी मार के इसका धुम्मस करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे सॉइल को, और उसको एक तवे जैसा आकार ये इसको यहाँ पे दे दिया गया है। और स्लोप इसमें काफ़ी रख दी गई है, 2 फुट 4 इंच की इसमें स्लोप है सेंटर में किनारे से। अब इसके ऊपर हम लोग अपना जो फ्रेम पहले ही बना दिया था उसको उठा के हम लोग इस पर रख देंगे। ये फ्रेम बनाने का कम से कम खर्चा हम लोग को लेबर और मटेरियल 30,000 का आया था। ये अभी इसके नीचे हम लोग ब्रिक वर्क कर रहे हैं, 1 इंच हमने इसकी लंबी लगाई है। इसके ऊपर 2 थर आएंगे लंबे में, ये आड़ा लगा है, 2 थर इसमें लंबे में आएंगे इसको सपोर्ट देने के लिए अच्छे से, यानी कि टोटल 3 थर लगेंगे। कम से कम मेरे को लगता है 700-750 ईंट इसमें लगी है। अब ये जो सरिये के ऊपर है, हम लोग ने पाइप, एक पुरानी पाइप, जूनी पाइप काट के उसको नायलॉन सूतली से उसको बांध दिया है, ताकि जो टार्पोलिन इस पर लगे तो वो सुरक्षित रहे। अंदर की तरफ हमने, क्योंकि पानी का लोड काफ़ी आएगा, इसके लिए जो अपने पास पुराने PVC टार्पोलिन जो भी था वो हम लोग ने बिछा दिया है, अच्छे से बिछा दिया है कि उसको प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिल सके। जो हमारा टार्पोलिन, ये आप देख सकते हैं 3 लेयर 3 थर कंप्लीट हो गए हैं, 1 आड़ा और 2 सीधे। ये हम लोग तो उसको कवर कर रहे हैं नीचे से, तो कोई भी अगर कुछ पत्थर छोटा सा रह गया हो तो वो उसमें टीयर्स उसमें होल ना कर सके। ये हमारा टार्पोलिन, इसका टार्पोलिन का खर्चा हम लोग को 36,000 का आया है मीटर का। और ये तो खैर नीचे जो बिछा रहे हैं वेस्ट है, तो साइड में हम लोग इसको लाइनर जो वापरेंगे, ये जो इसमें लाइनर यूज़ कर रहे हैं, ये शादियों में जो नीचे बिछता है, जहाँ नर्सरी में जो HDPE बिछता है, वो हम लोग डबल फोल्ड करके इस पर लगा रहे हैं। कम से कम 5,000 के आसपास इसका खर्चा आ जाता है। ये हम लोग ने PVC टर्पोलिन लगा दिया है 650 GSM का इस पर, और इसको नायलॉन सूतली से इसको सिक्योर कर दिया है, बांध दिया है, उसके एजेस मिला के अंदर से इसको बीच में से सेंट्रल पाइप लगा दी है। एरिएशन के लिए इसको 1 इंच की पाइप गोल घूमी है, कम से कम लगभग 105 फुट, उसमें से 1/2 इंच की पाइप ऊपर आई है और 12 पॉइंट निकाले गए हैं जहाँ पे स्पाइडर ऑक्सी ट्यूब लगेंगे।
एक एचपी का पंप, दो पंप हैं वो चलाएंगे एरिएशन, पर्याप्त हो जाएगा इसको एरिएशन देने की। स्टॉकिंग डेंसिटी इसकी लीटर कैपेसिटी 90,000 लीटर कैपेसिटी है। जो नीचे का जो इसका स्लोप है उसमें ही 15,000 लीटर पानी आ जाता है, और पर एक फुट जो हम लोग भरेंगे तो 25,000 आता है। तो 25,000 × 3 75,000 लीटर्स प्लस 15,000 लीटर्स 90,000 लीटर इसकी कैपेसिटी है। साइड से इसकी हाइट है 40 इंच, सेंटर में इसकी हाइट हो जाती है 5.5 फुट। ये अभी फिनिश हो गया है, पानी भर दिया है, वाटर ऑपरेशन हो चुकी है इसकी। आशा है आपको इसमें देख के कुछ आइडिया आएगा।